बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित एवं अपमानित करने वाली अति गंभीर घटना के बारे में बोलने की अनुमति दी। महोदय, पिछले 4 महीनों में जो कोरोना महामारी का दौर था, उस समय कुछ अधिकारियों ने मुझे परेशान एवं बदनाम करने के इरादे से झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश की तथा सांसद के नाते मेरी तमाम प्रवृत्तियां बाधित की गई, जिससे कोरोना जैसे महामारी में मुझे लोगों की मदद करने से रोका गया। दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश मुक्ति दिवस पर सरेआम मेरा अपमान किया गया। 35 साल से चली आ रही परंपरा को के अनुसार प्रदेश के सांसद के नाते प्रदेश की जनता को संबोधित करने के मेरे अधिकार से मुझे वंचित रखा गया। मेरे पूछे जाने पर मेरा संबोधन क्यों काट दिया गया, तब प्रदेश के उपसमाहर्ता एवं सर 20 सेकंड सर, ये बहुत बहुत गंभीर मामला है सर, मुझे ये कंप्लीट करने दीजिए प्लीज सर। मेरे पूछे जाने पर मेरा संबोधन क्यों काट दिया गया, तब प्रदेश के उपसमाहर्ता एवं कार्यक्रम के उत्तरापेक्षी ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। एक के बाद एक पिछले 4 महीनों से लगातार मुझे परेशान एवं प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अधिकारी षड्यंत्र के तहत कार्य कर रहे थे। महोदय, प्रशासन के कुछ अधिकारी सांसद के साथ अभद्र व्यवहार एवं उनकी अवमानना करते हैं, जिसका बड़ा उदाहरण मेरे साथ जो घटना घटी उसे प्रमाणित होता है। ऐसे अधिकारियों के व्यवहार से न केवल लोकसभा की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि लोकतंत्र के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा जाता है। ऐसी घटना को संसद में अति गंभीरता से लेना होगा। महोदय,